हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, क्राउन ज्वेल में दो दो शॉकिंग रिजल्ट मिला है हमें, और जो किसी ने भी नहीं सोचा था वो हो गया। ब्रॉक लेसनर बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, और WWE वर्ल्ड कप मैच में वो जीते जो इस टूर्नामेंट में थे भी नहीं। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीता और बेस्ट इन द वर्ल्ड बने स्मैकडाउन लाइव के कमिश्नर शेनो मैकमैन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं क्राउन ज्वेल के सभी मैचेस के विनर्स के बारे में। पर शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। सबसे पहले शुरू करते हैं क्राउन ज्वेल के किक ऑफ शो से, जो हुआ था शिंस्के नाकामुरा वर्सेस रूसेफ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इस मैच में नाकामुरा ने लो ब्लो रूसेफ को मारकर रिटेन कर लिया अपना टाइटल। मेन शो शुरू किया हुल्क हॉगन ने क्राउन ज्वेल का होस्ट बनकर, और पहला मैच हुआ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए स्मैकडाउन की तरफ से रैंडी ऑर्टन और रे मिस्टीरियो के बीच। रे मिस्टीरियो ने इस मैच में ऑर्टन को फंसाकर पिन करवा लिया, और हार से गुस्साए रैंडी ऑर्टन ने मैच के बाद मिस्टीरियो पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट मैच हुआ द मिज और जेफ हार्डी के बीच। इस मैच में द मिज जीत गए। इसके बाद रॉ की तरफ से वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए पहला मैच हुआ बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंग्स के बीच। लैशली ने पूरा डोमिनेट किया मैच को, पर लास्ट में सेथ रॉलिंग्स जीत गए। और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के पहले राउंड का फाइनल मैच था डॉल्फ ज़िगलर और कर्ट एंगल के बीच। और जबकि कर्ट एंगल ने इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर इस मैच में डॉल्फ ज़िगलर जीत गए। इसके बाद वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हुआ द मिज और रे मिस्टीरियो के बीच। और क्योंकि रे मिस्टीरियो पहले से इंजर्ड थे रैंडी ऑर्टन की वजह से, इस चीज का फायदा उठाकर द मिज जीत गए और वो क्वालिफाई हो गए वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड के लिए। और सेमीफाइनल का दूसरा मैच हुआ सेथ रॉलिंग्स और डॉल्फ ज़िगलर के बीच। और इस मैच में ड्रू मैकइंटायर की मदद से डॉल्फ ज़िगलर जीत गए और वो भी क्वालिफाई हो गए वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के फाइनल राउंड के लिए। नेक्स्ट मैच था WWE चैंपियनशिप मैच, AJ स्टाइल्स वर्सेस समोआ जो। जैसे सुपर शोडाउन में AJ स्टाइल्स ने समोआ जो की नी को टारगेट किया था, वैसे ही आज भी AJ स्टाइल्स ने समोआ जो की कमजोर नी का फायदा उठाकर रिटेन कर लिया अपना WWE चैंपियनशिप। इसके बाद जिस मैच का सबको इंतजार था, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन फॉर वैकेंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप। मैच शुरू होने से पहले ही बैरन कॉर्बिन ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप से ब्रॉन स्ट्रोमन को मार दिया। इसका फायदा उठाकर ब्रॉक लेसनर ने 5 F5 दिए ब्रॉन स्ट्रोमन को, और वो बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब ब्रॉन स्ट्रोमन बैरन कॉर्बिन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी वजह से हारे हैं। और सर्वाइवर सीरीज में मैच होगा यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर वर्सेस WWE चैंपियन AJ स्टाइल्स। WWE वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ डॉल्फ ज़िगलर और द मिज के बीच। पर इस मैच के बीच में ही द मिज इंजर्ड हो गए, और उनकी जगह शेन मैकमैन ने फाइट किया डॉल्फ ज़िगलर से, और वो ये मैच जीत गए और बन गए बेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, क्राउन ज्वेल का आखिरी मैच था केन एंड अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स। मैच बहुत ही बढ़िया था और क्राउन ज्वेल का सबसे बड़ा मैच था ये। मैच के बीच में शॉन माइकल्स से लड़ते लड़ते केन का मास्क भी उतर गया था। इस मैच के एंड में शॉन माइकल्स ने सुपर किक मारा अंडरटेकर को, और ट्रिपल एच ने पेडिग्री देकर केन का पिन करवा लिया, और ये मैच DX जीत गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतनी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो।